22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास का वो दिन साबित होगा जब करोड़ों राम भक्तों का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। वो सपना जिसे कई पीढ़ियों ने देखा, जिसके पूरा होने का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या की पहचान भगवान राम है। भगवान राम और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या अपने आराध्य के रंग में रंगती जा रही है। छोटी छोटी मंडलियां राम धुन गाते हुए अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही हैं। अयोध्या को वैसे ही सजाया जा रहा है जैसे 14 साल के वनवास के बाद भगवान अयोध्या लौटे थे। सनातन धर्म में दीपावली वही दिन है जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे। 22 जनवरी भी दीपावली के पर्व की तरह है। इस दिन जो भी अयोध्या पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। राम भक्तों के लिए आधुनिक टेंट सिटी बनाई गई है जहाँ जरूरत की हर सुविधा उनको मिलेगी। साथ ही अयोध्या की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल और हवाई मार्ग हर तरह से अयोध्या पहुंचना और रामलला के दर्शन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसी के चलते दिल्ली से चलकर वंदे भारत ट्रेन पहली बार अयोध्या पहुंची। अब दिल्ली से अयोध्या का सफर कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस सौगात का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। देखिए, जिस तरह से लगातार अयोध्या का विकास हो रहा, राम मंदिर बनकर तैयार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और उसके बाद दो दो वंदे भारत, एक अमृत भारत, एक वंदे भारत ट्रेन आई, तो लोगों को यहाँ अयोध्या पहुँचने में काफी आसानी हो गई। आप समझ लीजिए कि पहले एक ट्रेन थी तो जो शाम को चलती थी सुबह दिल्ली पहुँचती थी, अब जो ये वंदे भारत है ये सुबह अर्ली 6:10 पे चल के और 2:30 बजे अगर आदमी यहाँ पहुँच जाता है तो सेकेंड टाइम वो दर्शन करके और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम जो यहाँ से दूसरी ट्रेन है उसके जरिए वो वापस दिल्ली भी जा सकता है। सौगात तो बहुत बड़ी मैं मानूंगा, क्योंकि देखिए इस तरफ से बहुत सारे बिजनेसमैन भी, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे लूम वाले, दुकान वाले भी, तो एक स्पीड चाहिए थी जो एक लंबी दूरी कम समय में तय करे। जिस चांदी के दीपक को आप देख रहे हैं ये वही दीपक है जिसमें 24 घंटे 7 दिन अखंड ज्योति रामलला के सामने जलाई जाएगी। ये खास चांदी का दीपक रामनगरी पहुँच गया है। राम के चरणों का स्थान पाकर ये दीपक भी 22 जनवरी को धन्य हो जाएगा। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इस नाते राम भक्त अयोध्या की मिट्टी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद समझकर अपने माथे पर लगाते हैं। आपको अयोध्या में हर तरफ सनातन धर्म का प्रतीक भगवा रंग दिखाई देगा जिसकी ऊर्जा से हर राम भक्त अपने आप को धन्य मान रहा है। भगवान राम ने एक व्यवस्था की शुरुआत की थी जिसे राम राज्य कहा जाता है, जिसमें कोई दुखी नहीं होता, सबके साथ न्याय होता है। 22 जनवरी के दिन राम भक्तों को सही मायने में न्याय मिलने जा रहा है जिनका उन्हें सदियों से इंतजार था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।